नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ गुलाम अब्बास, हाज़िर हूँ लेके आपका अपना प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत अहम टॉपिक के सिलसिले से, तो आइए अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले नज़र डालते हैं अपने आज के सवाल पे। आज का हमारा सवाल है, क्या आप जानते हैं कि दीन और शरीयत क्या है। खुदा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी नस्लों पर नबी बनाया था और उन्होंने अपनी नस्लों को यही तालीम दी थी कि उनका रब वहदहू ला शरीक है, अदल उसकी पहली सिफत है, वो कायनात का खालिक व मालिक है, वो हमेशा से है और हमेशा जिंदा रहने वाला है। उसने अपने बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नबूवत, इमामत और रिसालत का सिलसिला रखा है, जिनकी तालीमात क़यामत तक बाकी रहने वाली है और क़यामत ज़रूर आएगी। सज़ा और जज़ा जो कि आखिरत के दिन मुकर्रर है, जन्नत और दोज़ख़ बरहक है। यही दीन था, इंसान के रब ने इसी दीन की बका और इंसानी समाज की तरक्की के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो इबादत के तरीक़े बताए, समाजी ज़िंदगी गुजारने के जो उसूल सिखाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए जो अमल मुकर्रर किए, उसी का नाम शरीयत है। जैसा कि इरशाद खुदावंदी होता है, दीन और शरीयत की ये बात तमाम पहले सहीफ़ों में भी मौजूद है, इब्राहिम के सहीफ़ों में भी और मूसा के सहीफ़ों में भी। दीन की ये पहली शरीयत जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हज़ारों साल तक अमल करती रही। इस सिलसिले के आखिरी नबी को खुदा की आखिरी किताब ने जनाब इदरीस के नाम से पहचानवाया है। इंसानी मुआशरे को बुराइयों से पाक करने और दीन के दायरे में रहने वाले इंसानों की बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंसानों के रब ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नया दस्तूर ज़िंदगी देकर भेजा। यह दूसरी शरीयत थी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लेके आए, जो तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के बाद बच जाने वाले लोगों और उनकी नस्लों में जारी हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी ऐसे अंबिया और मुरसलीन का सिलसिला जारी रहा जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की लाई हुई शरीयत की तजदीद करते रहे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी इसी सिलसिले से है, यहाँ तक कि यह सिलसिला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। इसके बाद अल्लाह ने तीसरी शरीयत की शुरुआत कर दी। इस शरीयत की अहमियत का अंदाज़ा लगाने के लिए इतना ही कहना काफ़ी है कि रब की तरफ से शरीयत के अहकामात लाने वाले हज़रत इब्राहिम खलील खुदा, नबी, रसूल और इमामुन्नास भी थे। शरीयत के अहकामात हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़ों की शक्ल में नाजिल हुए थे, मगर अफसोस ये सहीफ़े तारीख़ का हिस्सा न बन सके। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के अजीम पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए नई शरीयत और किताब लेकर आए जो चौथी शरीयत कहलाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम तौरेत है। इस किताब में शरीयत के अहकामात और कानून की वो दस्तावेज़ थी जो बेसस से लेकर 40 साल तक अल्लाह की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बराहे रास्त नाजिल होती रहीं। खुदावंदे आलम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 40 दिनों के लिए कोहे तूर पर बुलाकर हम कलामी का शरफ बख्शा था। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदगी के हर हिस्से के मुतालिक नसीहत और हर पहलू के मुतालिक वाज़े हिदायत तख्तियों पर लिखकर दे दी थी। जैसा कि कुरान मजीद में खुदावंदे आलम इरशाद फरमा रहा है, ए मूसा, हमने तमाम इंसानों में अपनी रिसालत और अपने कलाम के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है, लिहाजा अब इस किताब को ले लो और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में से हो जाओ। और हमने तौरेत की तख्तियों में हर शय नसीहत का हिस्सा और हर चीज़ की तफसील लिख दी है, लिहाजा इसे मजबूती के साथ पकड़ लो
और अपनी कौम को हुक्म दे दो कि इसकी अच्छी अच्छी बातें ले लें। नाज़रीन, ये थी चौथी शरीयत। अब पांचवी और आखिरी शरीयत अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की शक्ल में नाजिल की, जैसा कि इरशाद खुदावंदी हो रहा है। यकीनन ये कुरान मजीद है जो लौहे महफूज में महफूज किया गया है। खुदा वहदहु ला शरीक की तरफ से अंबिया व मुरसलीन पर नाजिल होने वाली किताबों में कुरान मजीद चौथी और आखिरी किताब है। पिछली किताबें और सहीफ़ों के बरअक्स कुरान की आयतें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर वही के ज़रिए नाजिल हुईं। उनको उसी वक्त अरबी ज़बान में लिखा जाता रहा। कुरान की आयतों को वही इलाही की शक्ल में लाने वाले जिब्रील अमी थे, इसलिए कुरान पांचवीं और आखिरी शरीयत थी। इसके बाद ना कोई शरीयत आई और ना ही कोई किताब आई। नाज़रीन, ये था आज का हमारा एपिसोड जिसमें हमने आपको बताया कि दीन और शरीयत किसे कहते हैं और अल्लाह ने कितनी शरीयत इंसानों की हिदायत के लिए भेजी। आज के लिए बस इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।